दूसरे स्टेंजा में पोएट्रिस कहती हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। पोएट्रिस फिर कहती हैं कि कुछ 20 या 30 साल बाद वह फोटो देखकर हंसती है, फिर कहती क्या है, सी बेटी एंड डॉली सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो ये 20 और 30 साल बाद फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं और पोएट्रिस से कहती हैं, यानी अपनी बेटी से कहती हैं कि देखो बेटी और डाली को देखो, ये बेटी और डाली वही दो कजन्स हैं, बेटी और डाली को देखो वो कैसा कपड़ा पहने हुए हैं और हम लोगों ने कैसा कपड़ा पहना है समुद्र तट पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। फिर पोटेस कहती हैं कि छुट्टियों में समुंदर के किनारे जाना मेरी मम्मी का मनोरंजन था, खुशी था, और मेरे लिए तो मेरी मम्मी की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी थी। बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस। फिर पोटेस कहती हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों की खुशियां समाप्त हो गई हैं, यानी मेरी मम्मी जो कि समुद्र तट के किनारे जाया करती थी वो भी समाप्त हो गया, धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। फिर उनकी मम्मी की डेथ हो गई और पोएट्रिस के लिए भी जो उसकी माँ की हंसी थी वो भी समाप्त हो गई, क्योंकि माँ ही नहीं रही तो हंसी कहाँ से रहेगी। तो ये था दूसरा स्टैंजा। तीसरे स्टैंजे में क्या होता है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। लास्ट स्टैंजा में पोएट्रिस कहती हैं कि अब मेरी माँ को मरे हुए लगभग उतने साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की थी फोटोग्राफ में, यानी 12 साल हो गए माँ को मरे हुए। एंड ऑफ दी सरकमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और ऐसी परिस्थिति में अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स साइलेंस साइलेंस। फोटोज कहती हैं कि अब बस सन्नाटा है, चुप्पी ही बची है, सब कुछ खत्म हो गया। यूनि पोटिस ये कहना चाहती हैं कि समय किस तरीके से चेंज हो जाता है, समय कभी कितना अच्छा था जब उसकी माँ जिंदा थी और आज समय कैसा हो गया, उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके जीवन में निराशा आ गई, दुख हो गया। इस तरीके से ये पोएम समाप्त हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।